चलिए, हेलो प्यारे बच्चों, ठीक हैं सभी? क्लास टेंथ के बच्चों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एसके केम क्लासेस पे। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, द इंफॉर्मेशंस कन्वेड बाय द केमिकल इक्वेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस, और हाउ टू मेक देम मोर इन्फॉर्मेटिव, किस प्रकार हम उनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, इन सब टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करें। क्लास टेंथ के बच्चों के लिए एक विशेष चीज़ ये रहती है कि भाई आप एक और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम NTSC के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। साथ साथ और तो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका टेंथ बेस पे नहीं होता है, लेकिन उसमें सबसे मेन पार्ट आपको पता है आपके सिलेबस का बाइफर्केशन जैसे रहता है, सभी स्टेट्स का अलग अलग स्टेज वन होता है, उसके बाद नेशनल लेवल पर स्टेज टू होता है, और स्टेज वन में 100 मार्क्स का मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आता है, और बाकी 100 मार्क्स में 50% में आपका मैथ्स साइंस SS ये सारी चीज़ें आती हैं, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब अलग अलग। तो हालांकि हमारे सब्जेक्ट का केमिस्ट्री का बहुत कम वेटेज उसमें रहता है, लेकिन फिर भी यदि आपने, मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आपने ध्यान से पढ़ा, पूरा इसको फॉलो किया, तो आप 100 out of 100 साइंस में एटलीस्ट या केमिस्ट्री में पूरा 100 out of 100 स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको कहीं नहीं आएगी। चलिए, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, आपके अपने चैनल पर आए हैं, तो वो उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस। अभी केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है ये तो पता ही होगा सभी को, है ना। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, हाउ कैन वी डिफाइन केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि भाई किसी भी केमिकल चेंज का, केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, है ना, सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखें कि भाई हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। और इसको वर्ड्स में यदि मैं लिखता हूँ कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, दिस इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब समझ में आता है सभी को। अब उसके बाद बात आती है हमारी कि भाई केमिकल इक्वेशन लिखते समय कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, इनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, आप नोट डाउन कर लेना साथ साथ जब मैं बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस समय। तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन वर रिटन इन टर्म्स ऑफ देयर सिंबल्स और मोलिकुलर फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। रिएक्टेंट हमेशा किस तरफ लिखा जाएगा, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा और प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड साइड में। तो पहला पॉइंट कि रिएक्टेंट को उसके एटॉमिक सिंबल्स हैं तो वो, या मोलिकुलर फॉर्मूले के सिंबल्स हैं उसमें हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, ये पहला नियम आपका रहेगा, ठीक है भाई। फिर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे अभी हमने ऊपर लिखा, मैंने जैसे मान लो दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, तो इनके बीच में एक प्लस का साइन हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, साइन ऑफ प्लस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज़ यूज्ड, ठीक है। इसी तरह से यदि प्रोडक्ट आपके मोर देन वन बन रहे हैं तो फिर जैसे सी और डी प्रोडक्ट हैं तो वहाँ भी एक प्लस का सिंबल लगेगा, ठीक है। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है आपके हैं, तो फिर उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। उसके बाद हमेशा प्रोडक्ट्स किस तरफ लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया है, वहाँ भी प्लस का सिंबल, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये वाला जो चीज़ है, ये क्या है, ये एरो है, ये दिखाता है क्या कि भाई रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, तो जो रिएक्शन है, कन्वर्जन हो रहा है हमारा, केमिकल चेंज जो हो रहा है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। एरो लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट करता हुआ हमेशा इसको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स रहेंगे। इसके बाद फिर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, पूरा लिख रहे हैं भाई, ठीक है।
बहुत आसान सा है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में शॉर्ट में लिख दिया मैंने सी ई। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप सिंपल सी एक चीज़ याद रखेंगे कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऐसे लिखना चाहिए हमें, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज सेम ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, यदि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर सेम है तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा कि जिंक प्लस H2SO4, तो इससे हमारे पास बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ इस तरफ जिंक 1, इस तरफ भी जिंक का नंबर 1 है, इधर हाइड्रोजन के दो एटम हैं, इधर भी हाइड्रोजन के दो एटम हैं, यहाँ सल्फर का एक एटम है, यहाँ भी सल्फर का एक एटम है, यहाँ रिएक्टेंट साइड में, इन द रिएक्टेंट साइड देर आर फोर हाइड्रोजन देर आर फोर ऑक्सीजन एटम्स, एंड ऑन द अदर हैंड ऑन द प्रोडक्ट साइड देर आर फोर ऑक्सीजन एटम्स। सो इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज इक्वल ऑन द बोथ साइड्स, सो दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, इसलिए क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अभी इसमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करें, यदि हम बैलेंस्ड के साथ क्या लगा दें, अनबैलेंस्ड, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स बराबर नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ कि H2+O2 गिव्स H2O, तो दिस इक्वेशन इज नॉट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बिकॉज इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑन रेक्ट हैंड साइड इज 2, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन राइट हैंड साइड ऑन द प्रोडक्ट साइड इज ओनली 1। मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर बराबर नहीं, इधर दो ऑक्सीजन उधर एक ऑक्सीजन, इसलिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी को, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बहुत आसानी से आप बहुत सिंपल से तरीके से बता सकते हैं। इसके बाद अब बैलेंस्ड नहीं है यदि कोई इक्वेशन, अनबैलेंस्ड है, तो उसको बैलेंस्ड कैसे करें, है ना, बैलेंसिंग तो आना चाहिए, लेकिन इसका कोई बहुत सॉलिड फॉर्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है। इसमें हम हीट एंड ट्रायल मेथड, या फिर मैं इसको बोलता हूँ ट्राई एंड एरर मेथड है ना, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सी ई शॉर्ट में लिख रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो कि अचानक से, जैसे इधर क्या है हमारे पास रिएक्टेंट और इस तरफ है प्रोडक्ट, जो बात मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स में उसको ध्यान से सुनना और नोट करना, जब बैलेंसिंग कर रहे हो तो ना तो हमें कोई नया एटम इंट्रोड्यूस करना है, देखो ध्यान रखना कि भाई रिएक्टेंट साइड में कुछ नया जोड़ दें या प्रोडक्ट साइड में कोई नया एटम, नया एलिमेंट ऐड नहीं करना है। ठीक है, एक सबस्क्रिप्ट होते हैं, जैसे हम लिखते हैं H2, तो ये 2 क्या है, ये सबस्क्रिप्ट है नीचे लिखा हुआ। ठीक है, इन सबस्क्रिप्ट्स के साथ किसी भी फॉर्मूले में, जैसे हमने लिखा अमोनियम सल्फेट, यदि ये फॉर्मूला है अमोनियम सल्फेट का, तो यहाँ जो 2 लगा हुआ है, यहाँ जो 4 लगा हुआ है, इनमें तुम्हें कोई छेड़खानी नहीं करनी कभी भी, जो सबस्क्रिप्ट होते हैं उनके साथ कोई छेड़खानी, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, फॉर्मूले के साथ, पूरे फॉर्मूले के साथ आगे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 2 लगा दें या यहाँ 4 कर दें या 3 कर दें, आप ये काम कर सकते हैं, समझ रहे हो, मतलब हम कोफिशियंट्स इनको बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट्स आप ऐड कर सकते हो या हटा सकते हो, या मतलब लगा सके कुछ भी, ये आप कर सकते हो। अंदर सबस्क्रिप्ट्स पे कहीं नहीं करेंगे, ना कभी कोई नया एटम इंट्रोड्यूस करेंगे, ना कोई एटम या कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल हटाएंगे वहाँ पे, ना कुछ नया जोड़ना है, ना कुछ नया हटाना है, सिर्फ ना फॉर्मूले के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें कुछ चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट्स को वेरी करके हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, ट्रायल एंड एरर
मेथड, भूल और प्रयास विधि कह सकते हैं कि भाई हमें कोशिश करके देखना है कि ऐसे करें ऐसे करें, और ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन यदि HCl से की जाए तो क्या बनता है भाई तुम्हारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, तो अब हमें देखो ये पता है कि लेफ्ट एंड, अभी यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, हाइड्रो जो जो एलिमेंट आपके यहाँ पे वो आप लिखो एक बार, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन, तीन एलिमेंट आपके पास इधर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम एक, राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम एक, तो मैग्नीशियम का नंबर तो इक्वल है दोनों तरफ बराबर, उसको तो हमें कुछ चेंज नहीं करना। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 1 और उस तरफ है 2, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 और उस तरफ भी है 2, ये है, ठीक है भाई। तो अब आप देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, कि भाई हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का नंबर लेफ्ट हैंड साइड में कम है, राइट हैंड साइड में ज़्यादा है, तो सीधा समझ में आ रहा है कि इसका नंबर डबल कर दें पूरे का, तो इधर दो हाइड्रोजन हो गए, दो क्लोरीन हो गए, इक्वेशन बैलेंस हो गया, सिंपल है। इस तरीके से आप लोग करेंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के, बहुत आसान है और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे ना इस तरह के। जैसे मैग्नीशियम की वाटर के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम प्लस H2O, तो रिएक्शन से बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन आपको गिवन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है भाई, प्लस हाइड्रोजन। तो वही चीज़ यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके पास, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, यही तो तीन एलिमेंट हैं आपके पास, ठीक है भाई। अभी इसमें हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट कितने नंबर पे है, कितने कितने उनके नंबर ऑफ एटम्स है। तो मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1, ठीक है भाई। हाइड्रोजन इस तरफ 2 हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरफ पूरे के साथ ट्वाइस है, तो दो हाइड्रोजन और दो, ये 4 हो गया हाइड्रोजन का नंबर। ऑक्सीजन इधर 1 है और उस तरफ ऑक्सीजन देखो इधर ये 2 है। तो अब आपको देखना है हमें कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे डबल करना है राइट हैंड साइड में। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस कंपाउंड में, तो इसका नंबर 2 कर दो, इसको डबल कर दो, यहाँ पे हो गया ना, इसको डबल लेफ्ट हैंड साइड में डबल करते ये डबल हो गया, तो इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम बैलेंसिंग करेंगे। चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं बैलेंसिंग का, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इससे बन क्या रहा है आपके पास, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है भाई, ये रिएक्शन है। तो यहाँ अब हमें एलिमेंट कौन कौन से हैं ये देखो, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एल्यूमिनियम है, इनके ये सब खाली कर लो, एक बार इरेज कर लो, हम दोबारा से इनको करके देखते हैं। आपके पास क्लोरीन है इधर, यहाँ पे आपके पास कैल्शियम है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, है ना, पांच एलिमेंट है देखो, 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट आपके पास हैं। अब इनका नंबर देखो, एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में भी 1, क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 3, उस तरफ 2, यहाँ पे 3, उस तरफ हमने 2 दिखाया हुआ है, कैल्शियम इधर 1 है, उधर भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन भी इधर 2 हैं, उस तरफ हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन भी 3 है, ठीक है। तो अब बैलेंस करना है, इक्वल करना है, तो या तो हम क्या करें, देखो क्लोरीन किस कंपाउंड में है, इसमें है क्लोरीन, यहाँ पे है एल्यूमिनियम वाले के साथ है, तो क्लोरीन का नंबर उस तरफ 2 है, उस तरफ क्या है 2 है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप, इधर हम 2 लगाएं, ये क्लोरीन 6 हो गया, उधर हम 3 लगाएं तो क्लोरीन उधर भी 6 हो गया, समझ रहे हो बात मेरी। लेकिन उससे दिक्कत क्या है कि एल्यूमिनियम इधर 2 हो गए, उधर 1 है, तो यहाँ भी हम 2 लगा दें इसके साथ, तो एल्यूमिनियम का नंबर बैलेंस हो गया। कैल्शियम अब उधर 3 है, तो यहाँ पे 3 लगाओ, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया आपका। अब एल्यूमिनियम बैलेंस आपका, कैल्शियम बैलेंस और क्लोरीन बैलेंस, बच गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको एक बार चेक करके देखो, 3
टू जो सिक्स हाइड्रोजन है और सिक्स ऑक्सीजन, इस तरफ अब सिक्स हाइड्रोजन हो गए और सिक्स ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे हमने, क्योंकि थ्री से मल्टीप्लाई कर लिया ना, इधर सिक्स हो गए। उधर देखो, इधर टू से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ऑटोमेटिकली हो गया वो, उधर भी उधर टू से मल्टीप्लाई हो गया, ये किया हुआ ना टू से, आ गया ना इक्वल हो गया नंबर सारा। ये समझ में आई बात हमारी, क्लियर है सभी को? चलिए, तो इस तरीके से आपका ये बैलेंसिंग है। आप और भी अपना दिमाग लगाएं थोड़ा सा, कोशिश जब करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड ये है, तो कोशिश करो, यदि गलत होता तो इरेज कर दो, है ना, फिर दोबारा से करो। ये मेथड है, इससे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके देख सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, फिर भी कोई दिक्कत यदि कहीं आती है तो आप लोग बताएं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। अब कुछ और चीज़ें केमिकल इक्वेशंस के बारे में, जैसे केमिकल इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, इन्फॉर्मेशंस कन्वेड बाय ए केमिकल इक्वेशन, इन्फॉर्मेशन गिवन बाय केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि इट गिव्स द सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या मिल रहा है आपको? सिंबल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सिंबल आपको पता लग रहा है, कौन से रिएक्टेंट है, कौन से प्रोडक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है। सेकेंड, इट टेल्स अस विच सब्सटेंस और सब्सटेंसेज आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन एंड विच प्रोडक्ट्स आर बींग ऑब्टेंड। मतलब रिएक्टेंट क्या है, और पहली बात तो उसने सिंबल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताया, फिर सेकंड हम बता सकते हैं कि रिएक्टेंट क्या है और रिएक्टेंट्स की रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन यदि HCl से करें, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन यदि हम HCl से कर रहे हैं तो क्या बनेगा आपके पास, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, ठीक है। तो 2HCl ले लो यहाँ पे, प्लस इधर आपके पास H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो हमें ये पता लगा कि भाई ये रिएक्टेंट है दोनों, पहली बात तो ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट्स का फॉर्मूला ये है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है, तो इस तरह से हम इसकी जानकारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट गिव्स द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। रिलेटिव नंबर ऑफ, जैसे इसका ये जो पूरा एक रिएक्टेंट है, इसका एक मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का दो मॉलिक्यूल HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तब जाके इनकी रिएक्शन पूरी होती है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम्स पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हमें पता लगता है। नेक्स्ट हम बता सकते हैं, इट शोज़ द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे भाई सिंपल और एग्जांपल लेंगे, जैसे H2 + 2H2 + O2, इससे 2H2O बन रहा है, तो हमें पता लगा कि भाई 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो जाके हमारा 2 मोल ऑफ वाटर बन रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो 2:1:2 आ गया। इस तरह से हम बता सकते हैं कि भाई कोफिशियंट्स इनको कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के कोफिशियंट्स 2 मोल 1 मोल 2 मोल। तो ये हम किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के बता सकते हैं, ठीक है भाई। और लास्ट क्या कह सकते हैं कि टेल्स अस द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। इससे हमें रेशियो ऑफ मास भी पता लग जाता है। देखो, मोल कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में यदि पढ़ा है, तो यहाँ इसका 2 मोल, इधर 1 मोल, है ना, और इस तरफ हमारे पास मोल, जब एज ए यूनिट लिखते हैं तो ई नहीं लगता, MOL ही लिखा जाता है ना। तो 2 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम। पता होगा ना, 1 मोल का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो 32 ग्राम 1 मोल का मास, और हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 2 ग्राम, तो यहाँ पे 2 मोल है तो 4 ग्राम। वाटर के 2 मोल हैं, तो 1 मोल का मास होता है, जैसे मैं इसको ऐसे लिख दो, इतने यानी कि 36 ग्राम वाटर बन रहा है, 1 मोल का मास 18 ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल। इस तरह से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यदि ये गैसेस हैं, एक चीज़ और है, यदि ये गैसेस हों और STP कंडीशन पे, ये तो मास की बात होगी नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में, इफ़ दीज आर गैसेस, यदि यहाँ पे ये सब क्या है, गैसेस हैं, ये भी गैसेस स्टेट में बन रहे हैं,
और ये सब कैसे हैं एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मोल कॉन्सेप्ट का एक रिलेशन और होता है कि एक मोल किसी भी गैस का 22.4 लीटर होता है, आपको पता है। टू मोल का मतलब हो जाएगा 2 × 22.4 लीटर, यहाँ पे 22.4 लीटर और इधर 2 × 22.4 लीटर, समझ गए। तो मास का, वॉल्यूम का, इस तरह से हम ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बता सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। इसके बाद इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, जो केमिकल इक्वेशंस हम यूज़ कर रहे हैं इसके कुछ एडवांटेजेस बता सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। तो देखो एडवांटेजेस में फर्स्ट हम बताएंगे कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बिकम्स ईजी। इससे हमारा क्या हो जाएगा एडवांटेजेस में, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन बिकम्स ईजी, टाइम कम लगेगा, स्पेस कम लगेगा, मतलब पूरा लंबा लिखने की बजाय हम सिंबल्स में लिख देंगे सिर्फ। तो पहली एडवांटेज ये हो गया। सेकंड, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टू बी यूज्ड कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। अभी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग कि हमें यदि 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना चाहिए ना। तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिएक्टेंट कितना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 2 मोल्स प्लस ऑक्सीजन, इससे आपको मिल रहा है 2H2O, है ना। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 4 ग्राम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में पता लग रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब जाके 36 ग्राम वाटर बनता है। यदि हमें 90 ग्राम वाटर चाहिए, इफ़ यू वांट 90 ग्राम H2O, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिएगा, कर सकते हो फिर। 36 ग्राम के लिए आपको चाहिए 4 ग्राम, 1 ग्राम के लिए 4/36 ग्राम, है ना। तो 90 ग्राम के लिए × 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं 9 और ये 10 ग्राम, 10 ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको यदि 90 ग्राम वाटर प्रिपेयर करना है, समझ में आई बात। तो सेकंड ये हो गया कि भाई एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यदि हमें बनाना है तो उसके लिए किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कितना अमाउंट चाहिए वो हम बता सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, और द सेम केमिकल सिंबल्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसे रहते हैं। तो फिर उसको रिप्रेजेंट करना, समझाना, दिखाना किसी दूसरे व्यक्ति को, साइंटिस्ट को, वो ईजी हो जाता है, समझ गए। इसके बाद लिमिटेशंस, एडवांटेजेस के बाद केमिकल इक्वेशन के लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशन का मतलब कमियां। इस मेथड की जो केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स में लिखते हैं उसकी कमियां क्या हैं। तो सबसे पहली कमी इसमें हम बता सकते हैं, केमिकल इक्वेशन डज नॉट इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट जब तक रिप्रेजेंट, मतलब वो आप अभी अब आगे बताएंगे कि किस प्रकार हम केमिकल इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाएं। तो जो पहले लिमिटेशंस डिस्कस कर रहे हैं, यदि उन लिमिटेशंस को दूर कर देंगे तो फिर वो और अच्छे बन जाएंगे ना। तो पहली लिमिटेशन क्या है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता केमिकल इक्वेशन कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सेकेंड, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, उसके बारे में ये नहीं बताता कि कोई रिएक्शन जब हो रही है तो उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, या फिर टेम्परेचर उसका घट रहा है, बाहर से वो अपने आस सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हीट एब्जॉर्ब्ड या इवॉल्व्ड, इसके बेस पे दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, मैं बताऊंगा अभी आगे। नेक्स्ट, इसमें हम बता सकते हैं कि डज नॉट इंडिकेट द कंडीशंस फॉर द रिएक्शन। थर्ड वन इज कंडीशंस फॉर द रिएक्शन, कि भाई किस टेम्परेचर पे किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें टेम्परेचर क्या चाहिए हमें, या कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या प्रेशर कम बढ़ाना है या डिक्रीज़ करना है। यदि वो नहीं लिखा हुआ तो ये इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट, इट डज़ नॉट इंडिकेट वेदर द रिएक्शन इज़ फास्ट और स्लो, मतलब स्पीड ऑफ
रिएक्शन, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलती है, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। पता लगना चाहिए कि रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। नेक्स्ट, सम रिएक्शंस अकर विद एन एक्सप्लोजन, है ना, तो टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज, मतलब वो एक्सप्लोजिव तो नहीं है रिएक्शन, एक्सप्लोजिव तो नहीं है कि इतनी ख़तरनाक रिएक्शन हो कि वहाँ पे धमाका हो जाए, विस्फोट हो जाए, तो ये चीज़ भी वहाँ से नहीं पता लगती, ज़रूरी बताना चाहिए। और लास्ट वन इज़ इट डज़ नॉट से एनीथिंग अबाउट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और प्रोडक्ट, है ना, ये सिर्फ एक रेशियो देता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, उसका एक्चुअल अमाउंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो ये इसकी मेजर लिमिटेशंस हैं। अब बात करेंगे हम कि किस प्रकार से हम किसी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो जो जो लिमिटेशंस हमने यहाँ पर डिस्कस की, उन लिमिटेशंस को यदि ठीक कर दिया जाए तो आपकी जो इक्वेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएंगी। हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव, सबसे पहला तो इसमें हम बता सकते हैं वही पॉइंट जो लिमिटेशन थी कि फिजिकल स्टेट इंडिकेट किया जाए, जैसे हाइड्रोजन इसके साथ ब्रैकेट में लिखूं गैस प्लस ऑक्सीजन, गैस गिव्स H2O, यदि गैसेस स्टेट में है तो G लगा दें, यदि कोई सॉलिड है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको यदि हम अब हीट करते हैं उससे हम एक ट्रायंगल का सिंबल भी दिखाते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस बनेगा, समझ रहे हो, लिक्विड के लिए ब्रैकेट में L लिख दिया जाता है। तो इस तरह से हमें स्टेट को इंडिकेट करना ज़रूरी है, स्टेट इंडिकेट करना चाहिए। सेकंड, इफ़ ए गैस इज़ इवॉल्व इन द रिएक्शन, सेकंड यदि किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रहा है, जैसे यही वाली रिएक्शन है या कोई और भी रिएक्शन आप ले सकते हो इसमें, जैसे जिंक की रिएक्शन करवाएं हम H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ जिंक क्या है सॉलिड है, H2SO4 क्या है हमारा लिक्विड है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन है, मान लो ये H2SO4 क्या है अभी लिक्विड, एक्वस का मतलब होता है कि पानी उसमें मिला हुआ, तो एक्वस वैसे ही लिक्विड है, तो रिएक्शन होगी यहाँ पे जिंक सल्फेट हमारा क्या बनेगा साल्ट बनेगा, ये एक्वस साल्ट कहलाएगा, ये मतलब AKO का मतलब एक्वस मीडियम पानी में घुला हुआ है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो उसके साथ हम ये सिंबल भी लगा सकते हैं तीर का निशान ऊपर की तरफ, ये क्या इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है हमारा गैसियस प्रोडक्ट है और ये एस्केप हो जाएगा यहाँ से उड़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, यदि रिएक्शन में PPT बन रहा है, कोई सॉलिड फॉर्मेशन होता है, सॉलिड प्रिसिपिटेट बनता है, जैसे NaCl एक्वस सॉल्यूशन ले लें NaCl का, और इसकी रिएक्शन हम AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन पानी में घोल दिया, इन साल्ट को सॉलिड नमक को पानी में घोल लिया, इसी तरह से AgNO3 वाटर में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना लिया, तो ये रिएक्ट करेंगे, ये टाइप ऑफ रिएक्शन में डिस्कस करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों के अंदर आपस में एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट ये एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, पानी में घुला रहेगा साल्ट ये आयंस की फॉर्म में, और यहाँ से बन जाएगा आपके पास AgCl, ये यहाँ पे एरो नीचे की तरफ लगाएंगे हम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिसिपिटेशन हो रहा है, इसमें सॉलिड बन रहा है, छोटे छोटे दाने दाने से बनेंगे, इस तरह की रिएक्शंस में हम ये चीज़ दिखाते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम दिखा सकते हैं हीट का, फोर्थ पॉइंट जो हम आपको बता रहे थे वहाँ पे, हीट चेंज को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो हीट चेंज के बेसिस पे रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टाइप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है भाई, ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर हीट लिब्रेट होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, इसको यदि वाटर ऐड करें हम, लिक्विड वाटर इसमें, तो रिएक्शन होती है और क्या बनता है CaOH2 एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, स्लैक ये लाइम था और ये स्लैक लाइम, चूने में वाटर मिलाया कली में तो वो ये बन गया स्लैक लाइम बन गया, लेकिन साथ में यहाँ पे हम लिखेंगे हीट,
प्रोडक्ट साइड में हीट लिखने का मतलब है कि हीट वहाँ पे रिलीज़ हो रही है। और देखा होगा जब चूना जो बोलते हैं चूना घर में कली करते वाइट वाश करते हैं तो वो जो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर जो आता है ना उसमें जब पानी मिला के रखते हैं तो वो बॉइल करना शुरू करता है, बहुत ज़्यादा हीट उसमें इवॉल होती है। तो इस तरह की रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और सेकंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है भाई, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड है, इसको जब हीट करेंगे तो हीट मतलब अपने आप नहीं टूटता, इसको ये तोड़ना चाहते हो तुम किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको हीट करना पड़ेगा। तो हीट यदि रिएक्टेंट साइड में लिख रहे हैं इसका मतलब हीट वहाँ पे खर्च हो रही है, हमें बाहर से उसको सप्लाई करना पड़ रहा है, हीट रिएक्शन कंज्यूम कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस तरह की रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पर रिप्रेजेंट करनी चाहिए। और लास्ट एक चीज़ इसमें हम बता सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक कंडीशंस, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, स्पेसिफिक कंडीशंस कहाँ लिखी जाती हैं, एरो पे लिखी जाती हैं भाई, टेम्परेचर के बारे में, कैटलिस्ट यदि कोई है तो, या प्रेशर की कोई विशेष कंडीशन है, तो ये सारी चीज़ें हम जो एरो होता है हमारा तीर का निशान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ उस पर इंडिकेट करते हैं कि इन इन इस टेम्परेचर पे इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या इस प्रेशर कंडीशंस पे रिएक्शन होती है। तो यदि ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो रिएक्शंस बिकम मोर 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 इन्फॉर्मेटिव, बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, बहुत सारी जानकारी हमें वहाँ से मिल जाती है। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे डिस्कस।